दिखावट से तौलना। विजयेंद्र विजयनगर राज्य के सेना का सेनापति था। सेनापति विजयेंद्र को पुत्र प्राप्त हुआ था और उसे नवाजे जाने से विजयेंद्र के घर में महोत्सव का माहौल था। एक दिन विजयेंद्र राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाता है। नमस्ते महाराज, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो विजयेंद्र। शुक्रिया महाराज, मैं आपको और सभी दरबारियों को मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए न्योता दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है विजयेंद्र, हम सब जरूर आएंगे। राजा और दरबारी विजयेंद्र के घर में पहुँचते हैं। स्वागत है महाराज, मेरी छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। जीते रहो बेटा, बिल्कुल अपने पिता की तरह बड़े क्षत्रिय बनना। महाराज, इसके दिखावट से ऐसा लगता है कि ये अपने पिता से भी बड़ा क्षत्रिय बनेगा और वो इस पूरे राज्य का सबसे बड़ा क्षत्रिय कहलाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपने पिता से भी आगे निकल जाएगा? मैंने उसके दिखावट से ये समझ लिया है, पर कोई भी इतने विश्वास से कैसे बोल सकता है, है ना महाराज? मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, तुम्हारी बात में दम है। सब ने बच्चे को बहुत आशीर्वाद दिया और जब सबको भोजन परोसा गया, उन सब ने बड़े आनंद से खाया। दरबारियों को ये घटना उनके जीवन में हमेशा याद रही। अगले दिन जब रामा मौजूद नहीं था तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। महाराज, हमारे पास रामा के दिखावट से तौलने की क्षमता को परखने का उपाय है। रामा की तौलने की क्षमता किस लिए? कल रामा बहुत ही निश्चिंत था कि वो किसी को भी दिखावट से तौल सकता है, क्यों ना हम उसकी परीक्षा लें और ये साबित कर दें कि वो हमेशा ही किसी को दिखावट से तौल नहीं सकता। दरबारी राजा को अपनी तरकीब समझा देता है। राजा को भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि रामा इस परीक्षा में सफल हो पाता है या नहीं। जल्दी से परीक्षा का बंदोबस्त किया जाए। अगले दिन जब रामा सभा में सबके सामने आते हैं। रामा, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि क्या तुम वाकई किसी को दिखावट से तौल सकते हो। जी महाराज, हमने वो समान मटके लटकाए हैं जिनमें से एक खोखला है और दूसरा ठोस सोने का है। आपको हमें बताना होगा कि इनमें से कौन सा ठोस है और वो भी बिना छुए। सबसे पहले तो रामा मटकों के नजदीक जाता है और उन्हें बहुत ही अच्छे से देखता है। दाईं तरफ जो लटकता मटका है वो ठोस सोने का है। बिल्कुल सही कहा रामा, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो कुछ छुआ भी नहीं। बस अवलोकन से महाराज। जो मटका ठोस सोने से बना है वो सिकड़ को ज्यादा खींच रहा है और दूसरा हिलडुल रहा है क्योंकि वो हल्का है। इस तरह से रामा साबित कर देता है कि वो दिखावट से तौल सकता है। एक दिन विजयनगर राज्य के दर्शन करने आया एक परदेसी दर्शनार्थी राजा कृष्णदेव राय को अपनी शुभकामनाएं देने जाता है। नमस्ते महाराज, मेरा एक बहुत ही सरल सवाल है, जो भी इसका अनूठे ढंग से उत्तर देगा उसे मैं एक सुंदर हीरों का हार दे दूंगा। अपना सवाल पूछिए दर्शनार्थी। दर्शनार्थी सभा में मौजूद सबसे पूछता है, आपके राज्य में सबसे बहुमूल्य क्या है? शाही खजाना। मेरे हिसाब से बहुमूल्य रत्नों से जड़ा मुकुट। नहीं नहीं, मैं तो कहूँगा हमारी सेना। तभी राजा रामा की तरफ देखते हैं। रामा, तुम्हारा क्या कहना है? सबसे बहुमूल्य चीज जिसे हमारी जनता पसंद करती है वो है आजादी। आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी सबसे बहुमूल्य है? मुझे साबित करके बताइए। मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा। दर्शनार्थी, आप हमारे खास मेहमान रहेंगे। रामा, इनके रहने खाने का उत्तम प्रबंध किया जाए। रामा दर्शनार्थी के रहने का पूरा इंतजाम कर देता है। दासियां हमेशा उसके देखभाल के लिए मौजूद रहती थीं। गायक मनोरंजन करने के लिए विभिन्न पकवान परोसे जाते थे जिनमें से वो पसंद करके खाते थे। दो दिनों तक परदेसी इन सभी सुख सुविधाओं का लुफ्त उठा रहा था। तीसरे दिन परदेसी को नदी किनारे टहलने की इच्छा होती है, लेकिन तभी ही सिपाहियों ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। महाशय, हमें आपको बाहर ना जाने देने का हुक्म दिया गया है। जरूर, ये मेरे सुरक्षा के लिए है, मैं अंदर ही रहता हूँ। और दिन बीतते चले गए। परदेसी बहुत ही ऊब चुका था और उसे बाहर जाकर टहलना था, लेकिन तभी ही सिपाहियों ने उसे फिर से रोक लिया। नहीं महाशय, आप नहीं जा सकते। अब तो परदेसी को कैद होने जैसा लगने लगा।
उसका सभी सुख सुविधाओं से मन पूरी तरह से ऊब गया। दो हफ्ते बाद ही राजा परदेसी को दरबार में बुलवाते हैं। ओ महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। क्यों? क्या रामा ने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा? हाँ, उसने तो रखा। उन्होंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, पर मैं खुद ही उनका आनंद नहीं उठा पाया। क्यों? सारे ऐशो आराम होते हुए भी आपने उन सबका आनंद क्यों नहीं लिया? क्योंकि महाराज, मुझे एक बार भी मेहमान घर से निकलने को नहीं दिया गया। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हो गए। रामा, मैंने तुम्हें हमारे मेहमान का बहुत अच्छे से ख्याल रखने को कहा था, पर तुम असफल रहे। महाराज, मैं परदेसी को ये साबित कर रहा था कि आजादी सबसे बहुमूल्य है। उनके पास सारे ऐशो आराम होते हुए भी वो उनका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पास अपनी आजादी नहीं थी। आपने अपनी बात साबित कर दी रामा, ये रहा हीरो का हार, आप हो इसके सच्चे हकदार। राजा कृष्णदेव राय अपनी सभा में थे, तब एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति उनके पास आता है। वो बहुत ही पतला और दुर्बल था। नमस्ते महाराज। क्या बात है महाशय? महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा बेटा और बहू मुझे हमेशा नाकारा होने का ताना देते रहते हैं। वो मुझे हमेशा बचा हुआ खाना देते हैं और अब उन लोगों ने मुझे घर छोड़ देने को कहा है। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ रहूँगा और कैसे अपना भरण पोषण करूँगा? आप ही कुछ मदद कीजिए। महाराज, आप मुझ पर इस बात की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। मैं पूरा ख्याल रखूँगा कि इनका बेटा और बहू उम्र भर इनके साथ आदर सत्कार से पेश आए। महाशय, आप वैसा ही कीजिए जैसा रामा आपसे कहे। रामा बूढ़े व्यक्ति को सोने के सिक्कों से भरा एक झोला देता है और उसे क्या करना है बताता है। जब बूढ़ा व्यक्ति अपने घर लौटता है तो उसके बेटे और बहू उसके हाथ में लाल झोला देखते हैं और उसमें क्या है ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इस कमरे का इस्तेमाल करूंगा और फिर चला जाऊंगा। वो वृद्ध व्यक्ति कमरे के कोने में जाता है और सोने के सिक्कों को गिनने लगता है। बेटा और बहू दोनों को सोने के सिक्कों के बारे में पता चल ही जाता है। उन्हें सिक्कों की खनखनाहट भी सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने अपना धन कहीं छुपा कर रखा था, जिसे अभी वो हटा रहे हैं ताकि अपने जरूरत में उपयोग कर सकें। ओह, अब हम उन्हें जाने नहीं दे सकते हैं। जरूर उनके पास और भी छुपाया हुआ धन होगा। अगर वो चले जाएंगे तो वो धन हमें कभी नहीं मिलेगा। तभी वृद्ध व्यक्ति पैसों की थैली को अपनी कमर धनी में बांधकर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मत जाइए पिताजी, हम आपके साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करेंगे। आप जब तक आपका मन हो यहाँ रह सकते हैं, हम आपकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। हाँ पिताजी, मत जाइए, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक महीने बाद वृद्ध व्यक्ति राजा और रामा के पास आता है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद रामा। अब मेरा बेटा और बहू दिन भर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे पैर दबाते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाशय, पर हमें ये बताइए कि ये हुआ कैसे? पूरी कहानी सुनने के बाद राजा तेनाली रामा को बहुत बधाइयां देते हैं और उनकी बुद्धि और तरकीब की दाद देते हैं। खास पकवान। राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन था और इस मौके पर सभी सभाजनों को शाही महल में भोजन का लुफ्त उठाने के लिए बुलाया था। जब रामा वापस अपने घर पर लौटते हैं तो राजमहल में खाए हुए भोजन की तारीफ करते नहीं थकते और सबसे ज्यादा वहाँ खाए हुए बिना बीज के बैंगन करी की। बिना बीज के बैंगन? जरूर आप कोई गलती कर रहे हैं, हर बैंगन में बीज होता है। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। कर्मचारियों ने बताया कि वो बैंगन का पेड़ एक परदेसी ने दिया था और वो पेड़ बस उसी शाही बगीचे में ही मौजूद है। ऐसी बात है, तब मुझे भी थोड़ा दो, मुझे भी उसे चखने दो और देखने दो कि वाकई वो कितनी स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मैं नहीं ला सकता, किसी को भी शाही बगीचे से कुछ तोड़ने की अनुमति नहीं है।
हे भगवान, कितना स्वार्थी पति है मेरा। खुद इतने स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त उठाकर आया है, पर मेरे बिना बीज के बैगन को खाने की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैंगन लेकर आऊंगा। जब बाहर अंधेरा हो गया, तब रामा चुपके से शाही बगीचे में चला गया। उसने धीरे से कुछ बैंगन तोड़े और जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ गया। रामा की बीवी बैंगनों को बड़े चाव से पकाती है। सबसे स्वादिष्ट बैगन है जो मैंने आज पहली बार चखा है। हमारे बेटे को भी बुलाओ, उसे भी चखने दो। नहीं नहीं, वो बच्चा है, वो इस बारे में सबको बता देगा और राजा को पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन चुराए हैं। नहीं, वो नहीं बताएगा। जाओ उसे उठा कर लाओ। रामा का बेटा आंगन में बहुत अच्छे से सो रहा था। रामा ने उस पर थोड़ा पानी छिड़का और उसे उठाया। उठो बेटा, बारिश हो रही है, चलो जल्दी अंदर चलो। ये लो बेटा, इसे खाओ। अगले दिन, महाराज बगीचे से कुछ बैंगन गायब हो गए हैं। महाराज ये जरूर रामा का काम है। कल वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वो स्वादिष्ट करी किससे बनी थी। उसे बताया गया था कि बिना बीज के बैंगन की, शायद इसलिए उसने चोरी की हो। रामा, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? महाराज अगर मैं सच भी बोलूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ये माना जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, क्यों ना आप मेरे बेटे से ही पूछ लीजिए। रामा के बेटे को सभा में बुलवाया गया। प्यारे बच्चे, कल रात को खाने में तुमने क्या खाया था? महाराज हमने बैंगन की करी खाई थी। रामा तुमने बैंगन क्यों चुराए? मैं तुम्हें वो ऐसे ही तोहफे में दे देता अगर तुमने मुझसे मांगे होते। महाराज मेरे बेटे ने खाना तब खाया था जब वो पूरे नींद में था। मेरा बेटा शाम होते ही सो गया था और फिर रात के खाने के वक्त उठ गया था। ये सच है महाराज, मैं आंगन में सोया हुआ था जब बारिश होने लगी, तब पिताजी मुझे उठाकर अंदर ले गए। इस बात पर सबको यकीन हो गया कि जरूर बच्चा बहुत ही नींद में होगा। बारिश तो हुई ही नहीं थी और नींद में डूबा बच्चा जरूर समझ नहीं पाया होगा कि उसने खाने में क्या खाया है। उस शाम जब रामा और राजा नदी किनारे टहल रहे थे। रामा मैं अभी भी अचंभे में हूँ कि किसने शाही बगीचे के बैंगन चुराए होंगे। मैं आपको बता दूंगा कि चोर कौन है अगर आप उसे माफ कर देने की कसम खाएं तो। ठीक है, मैं उसे माफ कर दूंगा। रामा ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और हंसते हैं। रामा ने खुद को बचा लिया और माफी भी मांग ली। रामा को कई बार लालची और धोखेबाज साहूकारों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने की ठानता है। रामा साहूकार के पास जाता है। महाशय मुझे 3 बड़े बर्तन एक दिन के लिए चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर पे सबको दावत दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको वो 2 सोने की मुद्राएं प्रतिदिन भाड़े के हिसाब से दूंगा, लेकिन मुद्राएं पहले ही देनी होंगी। रामा को पता था कि साहूकार जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहा है। ये मेरे लिए सही है, ये लीजिए पैसे। रामो 3 बड़े बड़े बर्तन लाओ। अगले दिन रामा बाजार जाता है और 3 बर्तन बिल्कुल उसी तरह के लेकिन थोड़े छोटे आकार के खरीदता है। वो साहूकार के पास जाता है। महाशय ये रहे आपके 3 बड़े बड़े बर्तन। मुझे लगता है कि वो उम्मीद से थे, इसलिए सुबह उन्होंने ये 3 छोटे छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। तो मेरे हिसाब से ये सारे बर्तन आपके ही हुए। हाँ बिल्कुल रामू, सारे बर्तन अंदर रख दो। साहूकार मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था
उसने रामा को 3 बर्तन दिए और बदले में उसे 6 बर्तन वापस मिले। कुछ दिनों बाद तेनाली रामा वापस साहूकार के पास किसी काम से आते हैं। मैं अपने घर में एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। बहुत ब्राह्मणों और पंडितों को भोजन कराया जाएगा, इसलिए मुझे कुछ बड़े बड़े बर्तन 5 दिनों के लिए चाहिए। रामू, जो बर्तन इन्हें चाहिए दे दो। धन्यवाद, ये रहा इनका पैसा। ये इंसान बेवकूफ है, मैं इसकी बेवकूफी का फायदा उठा सकता हूँ। महाशय, ये बर्तन भी उम्मीद से हैं और 2-3 दिनों में छोटे बर्तनों का जन्म होगा, इसलिए इसका और छोटे बर्तनों का ख्याल रखना। बिल्कुल, जरूर ख्याल रखूंगा। दिन गुजरते गए पर तेनाली रामा ने कोई भी बर्तन साहूकार को लौटाया ही नहीं। चिंतित होकर साहूकार रामा के घर पहुंच जाता है। महाशय, मेरे बर्तन कहाँ है? आपने 5 दिनों के लिए उन्हें लिया था, पर अब तो 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। खेद से कहना पड़ रहा है कि छोटे बर्तनों को जन्म देते वक्त उनकी जान चली गई। धोखेबाज, ऐसा कैसे हो सकता है? महाशय, कभी बच्चों को जन्म देते वक्त माँओं की मृत्यु हो जाती है और यही आपके बर्तनों के साथ हुआ है। तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें न्याय के लिए दरबार में ले जाऊंगा। दरबार में राजा पूरी कहानी सुन लेते हैं। साहूकार, तुमने शुरू में छोटे छोटे बर्तन तो ले लिए, क्या तुम्हें पता नहीं था कि बर्तन निर्जीव होते हैं और जन्म नहीं दे सकते? अगर शुरू में ही तुमने मान लिया कि बर्तन जन्म दे सकते हैं, तो अब तुम्हें ये भी मानना होगा कि वो जन्म देते वक्त मर भी सकते हैं। इस घटना से साहूकार को बहुत ही अच्छा सबक मिल जाता है और वो एक सच्चा इंसान बन जाता है।